माहौल कस्बे की रहने वाले व्यक्ति सादिक कुरैशी के द्वारा अपने तीन बेटों की रेलवे में नौकरी लगवाने के लिए एक व्यक्ति को करीब 11 लाख रुपए की धनराशि दे दी, लेकिन नौकरी नहीं लगी। बताया गया है कि आगरा के रहने वाले एक व्यक्ति अरविंद सिंह के द्वारा दिल्ली के रहने वाले अजीत प्रताप सिंह से उनकी मुलाकात कराई गई, जहाँ उनके द्वारा तीन बेटे की नौकरी रेलवे में लगवाने के नाम पर कभी 10 लाख रुपए से अधिक ले लिए। साथ ही बताया गया है कि आगरा के रहने वाले अरविंद सिंह की भी उन्होंने 75,000 दिए, लेकिन 2 साल बीत जाने के बावजूद भी अभी तक उनकी नौकरी नहीं लग पाई है और विगत दिनों वह व्यक्ति बनारस में पकड़े गए हैं, जब यहां अब उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने के लिए पीड़ित शादी के कुरैशी महावन थाने पहुंचे, जहाँ पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज की है। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सादिक कुरैशी है। जी, कहाँ के रहने वाले हैं? क्या घटना हुई? आप महावन के रहने वाले हैं हम। जी, क्या घटना हुई? 2 साल पूर्व हमारे साथ में एक आगरा के हैं और एक दिल्ली के हैं, इन्होंने फ्रॉड करके 10 लाख रुपए ले लिए, फर्जी कागज दे दिए रेलवे के, अपॉइंटमेंट लेटर, अथॉरिटी लेटर, सभी आइडेंटिटी कार्ड वगैरह, और अब वो पकड़े गए हैं बनारस में। तो वहाँ से हमें निर्देश मिले हैं कि थाना महावन में जाके अपनी FIR दर्ज कराइए। आपकी FIR नहीं है, आपके कागज़ ज़रूर मिल गए हैं इसके पास भी, आधी कॉपी है, लेकिन एसओ साहब अभी आपके सामने ये कह रहे हैं कि आप आगरा जाइए, आगरा वाले कह देते हैं कि महावन जाइए। उसी तरीके से महावन में आपकी नहीं ली गई रिपोर्ट? नहीं ली गई है। अच्छा, तो कौन लोग हैं जिन्होंने आपके साथ ये ठगी? एक अजीत प्रताप सिंह हैं जो दिल्ली में रहते हैं, वो अपने को BRM ऑफिस रेलवे के अधिकारी बताते हैं। अच्छा, उनका एक छोटा दलाल जो था जिससे हम मिले वो आगरा में है, उसका नाम है RV सिंह, राज बहादुर सिंह, वो उस पर ही 75,000 है, बाकी 10 लाख से ऊपर उन पे हैं अजीत प्रताप सिंह पे। हम बनारस भी गए, जब गिरफ्तार हो गया अभी 20 तारीख को, वो हम बनारस से लौटे हैं आज, अब FIR के लिए धक्के खा रहे हैं। FIR नहीं हो रही हमारे। कुल कितने पैसे आपके पास से गए हैं? मेरे पास से पैसे गए हैं करीब करीब हमारे 11 लाख रुपए का करीब हुआ है। दूसरे आदमी जो हमारे साथ थे राजेंद्र प्रसाद, उनके भी पैसे बताए गए कोई 16 लाख रुपए, उनके भी लड़के का शादी हुई, उनकी प्रार्थना पत्र है। अब हम ये गुहार लगाते हैं कि हमारी FIR दर्ज हो जाए, जिससे कि हमें आसानी हो, मुकदमा यहाँ आ जाएगा ट्रांसफर होकर।